दोस्तों, स्वागत है आपका खास खबरें आपका अपना न्यूज चैनल। देश और दुनिया की खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और लेटेस्ट खबरें सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को हिट करना न भूले। 100 घंटे में लिया पुलवामा का बदला, मास्टरमाइंड राशिद गाजी ढेर। पुलवामा एनकाउंटर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक बार फिर मुठभेड़ हुई है। आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच जारी मुठभेड़ में 4 जवान शहीद हुए हैं। सुरक्षा बलों ने यह ऑपरेशन गाजी राशिद की तलाश में चलाया था। सेना को मिली पहली बड़ी कामयाबी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी को हुए आतंकी हमले में शहीद हुए 40 जवानों का पहला बदला भारत की सेना ने ले लिया है। सोमवार को पुलवामा में ही हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने पुलवामा आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ता गाजी राशिद उर्फ कामरान को मौत के घाट उतार दिया। सिर्फ 100 घंटे के भीतर में सेना ने इस मोस्ट वांटेड आतंकी को उसके किए की सजा दे दी। गाजी के अलावा एक लोकल जैश ए मोहम्मद आतंकी हिलाल को मारा गया है। हालांकि इस मुठभेड़ में सेना के 4 जवान शहीद हो गए हैं। देर रात से चल रहा था एनकाउंटर। देश अभी 40 जवानों के शहीद होने का गम ही मना रहा था कि सोमवार सुबह एक और बुरी खबर आ गई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के खिलाफ मुठभेड़ लड़ रहे सुरक्षा बलों के 4 जवान शहीद हो गए। पुलवामा जिले के पिंगलिना में सुरक्षा बलों ने देर रात को ऑपरेशन चलाया, जिसका मकसद था गाजी राशिद को पकड़ना। वही गाजी जिसने पुलवामा आतंकी हमले की साजिश रची थी। सुरक्षा बल अपने इस मिशन में कामयाब हो गए हैं, क्योंकि गाजी को मार गिराया गया है। सुरक्षा बलों ने भी जैश ए कमांडर के 2 कमांडरों को मौत के घाट उतार दिया। सुरक्षा बलों ने यहाँ एक बिल्डिंग को ही उड़ा दिया जहाँ आतंकी छिपे बैठे थे। 14 फरवरी को हुए पुलवामा हमले में 40 जवान शहीद हुए थे, इसकी साजिश गाजी ने ही रची थी। अब 4 दिन के भीतर ही सुरक्षा बलों ने बदला पूरा किया है। कैसे हुआ ऑपरेशन? दरअसल पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद से ही सुरक्षा बलों ने घाटी में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया है। इसी कड़ी में रविवार देर रात करीब 12 बजे पुलवामा के पिंगलिना में कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली। सुरक्षा बलों ने इस इलाके को चारों ओर से घेरा और रात 12:30 बजे ऑपरेशन शुरू हो गया। इस ऑपरेशन को 5588 CRPF और SOG के जवानों ने मिलकर चलाया। आतंकियों के साथ मुठभेड़ करते हुए हमारे 4 जवान शहीद हो गए। इनमें मेजर DS डोंडियाल, हेड कांस्टेबल सेवा राम, सिपाही अजय कुमार और सिपाही हरी सिंह शामिल हैं। एक जवान घायल है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कौन है गाजी राशिद? आपको बता दें कि जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर अपने भतीजे के जरिए घाटी में आतंकी हरकतों को अंजाम देता था, लेकिन पिछले साल ऑपरेशन ऑल आउट के दौरान सुरक्षा बलों ने उसे मार गिराया था, जिसके बाद से ही मसूद अजहर ने कश्मीर की जिम्मेदारी अपने टॉप कमांडर और IED एक्सपर्ट गाजी राशिद को दी थी। ऐसा माना जा रहा है कि गाजी अपने 2 सहयोगियों के साथ दिसंबर में भारत में घुसा और दक्षिण कश्मीर में छिप गया। आपको बता दें कि गाजी को मौलाना मसूद अजहर का भरोसेमंद और करीबी माना जाता है। उसने 2008 में जैश ए मोहम्मद ज्वाइन किया और तालिबान में ट्रेनिंग ली। 2010 में वह उत्तरी वजीरिस्तान आ गया था। तभी से आतंक की दुनिया में वह शामिल है। कुछ ही समय बाद उसने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के इलाके में युवा लड़ाकों को ट्रेनिंग करनी शुरू दी थी।